टिश्यू से सारा कुछ होगा, तो मैं एक एक चीज रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो प्लीज तैयार हो जाओ आज हर चीज को देखने के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ आपका ड्राई टॉयलेट यूज करने, क्योंकि मुझे बहुत जोर से आ रही है। ये लोग जाके हमारा लाइफ नहीं जी सकते, हम लोग आके यहाँ का लाइफ नहीं जी सकते। अभी वॉशरूम जाना है, बट पहले चाय पी रहे हैं, चाय पिएंगे ना अच्छी सी निकलेगी। मैं सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू पूप। व्हाट एडवाइस देयर? ओह माय गॉड। अभी सर हम कहाँ करेगा? अभी हम मार्च अप्रैल में। नहीं, हम अभी कहाँ करेगा फिर? हमारा भी तो खाद ही बन के निकलेगा ना। होल्ड माई हैंड प्लीज। वही होना, सब जाएंगे। नो 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 इशू, होल्ड माई हैंड प्लीज। आप लोग वीडियो बंद मत करना, बिकॉज अब मेरी बारी है और मैं जा रहा हूँ करने। एंड जब मैं करूँगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी है भाई कि आज हम जो जो करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। विंड देख लो, कैसे विंड और स्नो आ रही है फेस पे भी और सब जगह पे भी। बहुत गंदी वाली स्नो चल रही है, हम लोग टाइम से हो आए, थैंक्स गॉड। प्रॉब्लम ये है कि मैं दो दिन हो चुके हैं, मैं दो दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ हैवी स्नोफॉल की वजह से। बट इस टाइम पे स्नोफॉल बंद हो चुकी है, बट रोड्स वगैरह पूरी पैक्ड है स्नो से, 5-5 फीट 4-4 फीट के आसपास। तो आज हम नहीं निकल सकते, आज के दिन हमें यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। तो आज वाले ब्लॉग में ना यही है कि आज मैं इस लोकल्स को रिकॉर्ड करूंगा, इनकी लाइफ को रिकॉर्ड करूंगा और अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे कैसे स्पेंड करी। सबसे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि देखो, जो हम लोग पानी रखते हैं ना यहाँ पे, रात को गर्म करके रखा था पीने के लिए, गलती से इसके अंदर रख दिया था। बट ये सुबह के टाइम पे प्रॉपर वाली बर्फ बनी हुई है, गंदा वाला की लाइक, ये कहीं से नहीं गिरेगा, बहुत हार्ड वाली बर्फ है, हार्ड वाली। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पानी फ्रीज है, टॉयलेट की सारी पाइपलाइन सारी फ्रीज है, तो टॉयलेट वगैरह यूज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ओपन में। तो आज हम यूज करने वाले हैं ड्राई टॉयलेट्स, देखते हैं क्या होता है, और टिश्यू से सारा कुछ होगा। तो मैं एक एक चीज रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो प्लीज तैयार हो जाओ आज हर चीज को देखने के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ आपका ड्राई टॉयलेट यूज करने, क्योंकि मुझे बहुत जोर से आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलो। चलो क्या कह रहे हो? बोला कि इन लोग का लाइफ यहाँ के, मतलब ये लोग जाके हमारा लाइफ नहीं जी सकते, हम लोग आके यहाँ का लाइफ नहीं जी सकते। बिल्कुल, यहाँ की लाइफ यार बहुत टफ है यार, ये लोग फिर हमारी लाइफ जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे ना पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, रहने को घर मिल जाएगा, दिन में काम करेंगे थके होंगे, रात को रोटी खा के सो जाएंगे, रोटी मिलेगी, तो एक लाइफ चल पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है भाई, ना लाइट है ना पानी है, और वॉशरूम के लिए भी अभी हम लोग जा रहे हैं ओपन में, है ना। पता नहीं आप जा रहे हो नहीं जा रहे, पर मैं तो जा रहा हूँ भाई। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। क्या? अभी वॉशरूम जाना है, बट पहले चाय पी रहे हैं, चाय पिएंगे ना अच्छी सी निकलेगी। कहाँ गए भाई? आज के ब्लॉग में ना यही सब कुछ दिखेगा, यहाँ की जो लोकल लाइफ होती है ना, जैसे लोकल यहाँ के रहते हैं, हम लोग वही दिखाने वाले हैं। ये हमारे राजू भैया हैं, जिनके हम लोग होम स्टे में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा वाला हमारा ख्याल रख रहे हैं, बहुत ज्यादा वाला। ये चाय सुबह सुबह गरम गरम बना के यही लेकर आए हैं। अभी मैंने ब्रश नहीं करा, बट मैं चाय पी रहा हूँ भाई। ब्रश कैसे करूँ, पेस्ट मेरी बिल्कुल, जो टूथपेस्ट है वो जाम है और ब्रश भी जाम है। अब लाइट आएगी तो उसको गर्म करेंगे, ब्रश थोड़ा सा नरम होगा, फिर उसको टूथब्रश करेंगे, नहीं तो आज बिना ब्रश के खाना पीना चलेगा। जैसे आज की लाइफ चलेगी ना, वो लाइफ पूरी रिकॉर्ड करेंगे आज की हम। बाकी राजू भैया के पास घोड़े हैं, आज हम घोड़े पे सैर भी करेंगे। मिलवाओगे ना? बिल्कुल मिलवाएंगे। चलो ठीक है, चलेंगे पहले, अब चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे जंगल पानी करने। चलो देखो हम कैमरा लेके जा रहे हैं, DSLR फोटोज खींचेंगे पूरी वाली अच्छी वाली करते हुए। किस किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी टफ है लाइफ यहाँ पे। ओह लाइफ इज सो टफ। फॉर अ प्लेस टू पूप। ओह मैन, व्हाट एडवेंचर। ओह माय गॉड। ओह ओह
कम कम नो नो वरी कि मैं इसके अंदर निकल गो विल टेक केयर ओके ओह माय गॉड लकीली वी ब्रॉट दिस यस 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 बूट्स या लकीली देखा कितना कुछ करना पड़ता है यार देखो ओ मैन सामने तो स्नो का पहाड़ है पूरा का पूरा नो आइडिया मैन इस तरह तो वही चीज आ गई ना मैं रास्ता बंद वाला आ गया मजाक नहीं है कुछ भी इतनी बर्फ में यार यहाँ पे आना मेरे गम शूज देखो प्रॉपर अंदर है और समझ ही नहीं आ रहा कैसे कहाँ क्या जाना है एक्चुअली मैं ये सारी प्रॉब्लम ठंड की वजह से है कोई नहीं ये भी एक एक्सपीरियंस है आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सर्दियों में यहाँ आ रहे हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हाँ किसी को मेरी तरह अगर हीरो बनना है तो वो आ जाए जिसको कुछ डिफरेंट करना है एक्सपीरियंस में भी और कुछ डिफरेंट सारे आइडियाज लेने हैं तो कर सकते हमारा गेट को जंप करके जा रहा है उस साइड पे ये आई थिंक फील्ड है तो इसके अंदर शायद हम लोग जाके कर सकते हैं अब लड़कियों के लिए तो बहुत टफ है यहाँ पर आना देन क्रॉस इट ग्रेट मैन ओके ओके हमें ना यहाँ पे खाद डालनी है किसमें हमें यहाँ पे खाद डालनी है खेत में हाँ अभी नहीं डालते खेत अभी फिर हम कहाँ करेगा अभी हम मार्च अप्रैल नहीं नहीं हम अभी कहाँ करेगा फिर हमारा भी तो खाद ही बन के निकलेगा ना हमें खाद डालनी कहाँ करे बता दीजिए आप हम खाद डालने आए हैं यहाँ पे वो मकान है वहाँ से परे जाना पड़ेगा तो इधर नहीं डाल सकता इधर नहीं डाल सकता ये लड़का हमें इधर ले आया ये लड़का कहता है खाद इधर डलेगी खाद नहीं डलेगी इधर थोड़ा ओ मैन इतनी दूर ले आया तुम खाद डालने के चक्कर से ये बोलता है कि इधर खेत है इधर चल के हम कर सकते हैं वहां से परे खाद ओहो एक तो हाथ बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं बंदे वाले और हालत खराब है नहीं लाया आपने नहीं ग्लव्स तो लाया था वो गलती से ना वहाँ पे पीछे बर्फ में हाथ चला गया अच्छा तो उसके चक्कर से हाथ खराब हो गया ग्लव्स लाया ग्लव्स रूम में रखा हुआ है अच्छा अच्छा आप कैसे रहते हो इतनी डिफिकल्टी में यहाँ पे यार क्या करना रहना पड़ेगा यार जिंदगी यही पैदा हुआ है जिना यही मरना है क्या करना सही बात है बहुत टफ है यार बहुत टफ है हमारे होटल्स के जहाँ होम स्टे में रुके हुए हैं वहाँ पे टॉयलेट सारे फ्रीज हैं तो उन्होंने बोला कि आपको ओपन में जाना पड़ेगा करने के लिए अब हम ओपन में आए करने के लिए जगह नहीं मिल रही अच्छा नहीं लग रहा ऐसे ओपन में बैठ जाए तो अच्छी जगह ढूंढ रहे जहाँ तो थोड़ा बताओ प्लीज बहुत जोर से आया हुआ है वहाँ गेट से ऊपर है जाना हाँ है उससे पीछे दो पेड़ दिख रहे जहाँ मर्जी कर दो आप जहाँ मर्जी कर दे और ये रास्ता ये जो है सारा ये सारा खेत के लिए रास्ता है अच्छा खेत के लिए रास्ता है तो खेत में खाद डाल लेते हैं ना खेत में अभी नहीं डालते ना ये वाली खाद यार नहीं नहीं वही वही डालना पड़ेगा वही डालना पड़ेगा वो साइड में यूज करो चलो फिर वही चलते हैं ओके जी थैंक यू बंदा मना कर रहा है यहाँ नहीं डालनी खाद आपने खाद डलेगी दूसरी जगह पे चलते वही डाल देंगे फिर भाई लग गए भाई लोग लग गए मेहनत पे देखो मेहनत कर रहे हैं भाई लोग हमारे असली मेहनत यही है देखो इधर है कैमरा और इधर अपना भाई हो गया चलो चले हम भी फिर अरे ओके सीमा लाइक ओह वैसे ना मैं उस वाली पहाड़ी पे जाने वाला हूँ करने के लिए क्योंकि यहाँ मेरे को समझ में आ नहीं रहा वहाँ ना बर्फ ज़्यादा है यहाँ देखो बर्फ थोड़ी कम है ना वहाँ बर्फ मेरे को ज़्यादा लग रही है मैं वहाँ जाके करके आऊँगा ये देखो ये भी वहीं जा रहा है बैठ जा कोई बात नहीं बैठ जा जल्दी बैठ भाई हमारा चश्मा लगा के बैठ के करेगा स्नो लेपर्ड
स्नो क्रो यस इट्स अ स्नो क्रो मैन होल्ड माय हैंड प्लीज वही होना सब जाएंगे नो इशू होल्ड माय हैंड मेरा साथ छोड़ियो मत ओके साथ क्या लेके जाऊंगा तुम्हें Where are you, man? He is there. Snow crow. देख क्या यहाँ पे एक है. I think this is dry toilet also too. But it's locked, man. So finally, हमें जगह मिल गई है यहाँ पे. हम यहीं पर ही स्टार्ट करने लगे अपना. आप चाहते हो मैं इसको रिकॉर्ड करूँ? प्लीज जल्दी से बताओ. मैं तभी रिकॉर्ड करूँगा. अरे मैं खोल रहा हूँ. जाओ यहाँ से. चलो यार चले बंदे को करने दो. बारी बारी पर तीनों जाएंगे. वापस आ रहे हैं अभी हम. भाई छुप के करेगा. करके बर्फ डाल देगा उसके ऊपर. चलो प्लीज आप लोग वीडियो बंद मत करना बिकॉज अब मेरी बारी है और मैं जा रहा हूँ करने. एंड जब मैं करूँगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी है भाई कि आज हम जो जो करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाइफ कितनी टफ है यहाँ पे. तो भाई आपका जा रहा है. भाई की बारी आ गई है. एक भाई हुआ है दूसरा भाई जा रहा है फिर तीसरा भाई जाएगा. तो भाई जा रहा है. आई विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी थिंग. यू हैव टू वॉच सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट स्विच ऑफ दिस वीडियो. ओके यू हैव टू सी. ओके लेट्स गो शिट वीडियो ब्रो. आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी थिंग मैन. आई हैव टोल्ड दैट आई विल रिकॉर्ड. बस अब चल पड़े हम लोग. जा रहे हैं मतलब हम लोग नहीं मैं. ये लोग तो हो आए हैं. अब मैं जा रहा हूँ. ये दोनों पहले चले गए थे. अब मैं जा रहा हूँ. तो कैमरा ऑन रहेगा. सामने कैमरा रखेंगे और आराम से बैठ के फ्रेश होंगे. कोई दिक्कत नहीं है. भाई लोगों से प्यार पूरा है. तो स्टे ट्यून. डोंट गो एनीवेयर. हैव फन. हैव एंजॉय. ये बर्फ देख रहे हो भाई कितनी बर्फ है सब तरफ. लाइफ बहुत टफ है. इतना भी गंदा नहीं हूँ मैं. इतना भी इडियट नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखाऊं. बट एक अपने एक्सपीरियंसेस दिखा रहा हूँ कि यार ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि लाइक हमें लाइफ यहाँ पर आके ऐसे सब कुछ फेस करना पड़ता है. तो मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद. उसके बाद देखो मैं अपने साथ ना हैंड सैनिटाइज़र भी लेकर आया हूँ और ड्राई टिश्यूज़ भी लाया हूँ एंड वेट टिश्यूज़ भी लाया हूँ. तो भाई आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है. सारा काम हो जाने के बाद फिर मिलता हूँ हैंड सैनिटाइज़ और ये सब कुछ कर आके. उसके बाद ही मैं अपने इस मोबाइल को हाथ लगाऊंगा. तो मिलते हैं फिर उसके बाद और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा एक्सपीरियंस है मेरा. ठीक है चलो मिलते हैं. गुड बाय. चलो सो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं. ब्रो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस. नाउ आई फील मच बेटर सो दैट आई कैन सरवाइव वन मोर डे हियर. एंड योर? सेम हियर ब्रो. नाउ आई एम फीलिंग बेटर. गॉट सम एनर्जी. Okay. By pooping, you got energy. So you should always poop. It was. It's learning time. Because I spent my energy to hold it right. But my experience is worst. Worst? Why? No, but I'm now feeling I'm better. Huh? But it's very hard for me, yeah, to do all these things. Yeah. No, even I'm. You saying never truly, done outside. No, I never done. No, never. Never, never. You never. No. Like I. We never. Like I grew up in village, so I have done all these things. That's a bad. But first time I used eyes. After tissue I am not feeling comfortable. Then I used eyes to wipe off on. I know, I didn't do that. I'd use that eyes even too, man. I don't know why. But now I feel okay. So we got everything. Now it's okay. We got everything. No, my jacket is there. आइस मेरे शूज के अंदर तक चली गई है. हमें निकालनी पड़ेगी बाहर नहीं तो मर जाऊंगा मैं रात तक.
विंड देख लो, जैसे विंड और स्नो आ रही है फेस पे भी और सब जगह पे भी, बहुत गंदी वाली स्नो चल रही है। हम लोग टाइम से हो आए, थैंक्स गॉड, सब अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी हो गया। स्नो चल पड़ी, स्नो स्टार्ट हो गई है। चलते हैं रूम में वापस, कैमरा वैमरा बंद कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस समझ आ गया होगा कि क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस था आज का, एंड क्या चीज़ कर क्या चीज़, कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर आके अगर हम लोग ऐसे वेदर में यहाँ पर आते हैं तो। आई होप आपको आज का एक्सपीरियंस समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर बैटरी हुई, अगर बैटरी हुई तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो इसको यहीं एंड कर देंगे। ठीक है जी, ओके बाय बाय। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।